नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देसी मुर्गी पालन में मुर्गी को कब कौन सा दाना और कितने मात्रा में दाना यानी फीड खिलाना चाहिए। दोस्तों अगर आप नए नए इस काम को शुरू कर रहे हैं यानी मुर्गी पालन शुरू कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं और आप प्योर देसी ब्रीड या फिर जो भी मिक्स देसी ब्रीड में आता है जैसे सोनाली हो गया, बनराजा हो गया या फिर और भी जितने सारे मिक्स ब्रीड में आता है, ये सब ब्रीड को अगर आप पालना चाहते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक मुर्गी को कब कौन सा और कितने मात्रा में दाना जरूरत होता है। तो अगर एक मुर्गी को उसके जरूरत के हिसाब से उसको दाना दिया जाए और अच्छा और क्वालिटी एक दाना दिया जाए तो मुर्गी का जो वजन रहेगा वो तेजी से बढ़ पाएगा, उसके साथ साथ हमेशा मुर्गी स्वस्थ भी रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगर कोई देसी मुर्गी पालना चाहते हैं, चाहे वो प्योर देसी मुर्गी हो या फिर वो मिक्स ब्रीड हो, आप दो तरह से पाल सकते हैं मुर्गी को। सबसे पहला आप डीप लिटर सिस्टम में पाल सकते हैं और दूसरा फ्री रेंज या फिर बैकयार्ड सिस्टम में पालन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब बात आता है कमर्शियल लेवल पे यानी बड़े पैमाने पे आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं या फिर करेंगे, तब दोस्तों आपको डीप लिटर सिस्टम ही मुर्गी को पालना होगा, क्योंकि फ्री रेंज और बैकयार्ड सिस्टम में फिर एक साथ ज़्यादा मुर्गी को फीडिंग कराना या फिर मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए जब भी आप डीप लिटर सिस्टम में मुर्गी पालन करेंगे तो आपको मार्केट का जो रेडीमेड फीड आता है वही फीड खिला के मुर्गी को पालना होगा। अब दोस्तों ये जो मार्केट का दाना होता है या फिर जो रेडीमेड फीड होता है ये मुर्गी के एज के हिसाब से 5 टाइप्स का दाना बनाता है। जैसे प्री स्टार्टर फीड के नाम से एक आता है, दूसरा स्टार्टर फीड के नाम से आपको मिलेगा, तीसरा ग्रोवर, चौथा फिनिशर और 5 नंबर पे आपको लेयर मेस फीड। लेयर में भी बहुत सारा भाग होता है, अलग अलग फेज पे ये लेयर फीड भी देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगर आप देसी मुर्गी पालना चाहते हैं मीट प्रोडक्शन के लिए यानी सिर्फ और सिर्फ मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालना चाहते हैं तो आपको कब कौन सा दाना देना चाहिए। तो सबसे पहला जो प्री स्टार्टर फीड आता है इसको स्पेशली चिक्स के लिए ही बनाया गया है, यानी चूजा छोटा होता है और उस दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको प्रोटीन और एनर्जी चाहिए होता है तेज़ी से बढ़ने के लिए। तो इसीलिए इस फीड को ऐसे बनाया जाता है कि ताकि मुर्गी को कम दाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और एनर्जी मिल पाए। तो इसीलिए प्री स्टार्टर फीड आपको एक दिन से लेके यानी जिस दिन आप चूजा डाल रहे हैं उस दिन से लेके अगले 7 से लेके 10 दिन तक लगातार आपको यही फीड सिर्फ और सिर्फ खिलाना होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट यानी जो दूसरा फीड मुर्गी के लिए आएगा वो आएगा स्टार्टर, यानी प्री स्टार्टर के बाद आपको चलाना है स्टार्टर फीड। जैसे 1 से लेके 7 दिन तक आप लगातार प्री स्टार्टर फीड चला देंगे, उसके बाद 7 दिन के बाद से यानी 8 दिन से लेके अगले 30 दिन तक आपको लगातार चलाना है सिर्फ और सिर्फ स्टार्टर फीड। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी तीसरे नंबर पे जो फीड आता है मुर्गी के लिए वो है ग्रोवर। तो आप जैसे ही स्टार्टर फीड 8 दिन से लेके 30 दिन तक कंटिन्यू चलाएंगे, उसके बाद 31 दिन से लेके यानी 31 डेज से लेके अगले 30 दिन और यानी 60 दिन तक आपको चलाना है सिर्फ और सिर्फ ग्रोवर फीड। ये जो ग्रोवर फीड है ये दोस्तों मुर्गी में जो वजन है उसको बढ़ाने में मदद करेगा, यानी ओवरऑल वेट जो है ये तेजी से बढ़ने में मदद करता है। जैसे ही दोस्तों आपका ग्रोवर फेज कंप्लीट हो जाएगा यानी 31 डेज से लेके 60 डेज तक लगातार आप ग्रोवर फीड खिला देंगे, उसके बाद 61 डेज से लेके अगले जितने दिन तक आप फार्म में मुर्गी रखते हैं या फिर जब तक आप फार्म से मुर्गी को बेच नहीं देते तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ फिनिशर फीड ही चलाना होगा। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई मुर्गी पालन करते हैं खासतौर पे मीट प्रोडक्शन के लिए यानी मांस उत्पादन के लिए, तब उनको अंत में फिनिशर फीड चलाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इस फीड से जो भी वजन बाकी रहता है वो तो बढ़ता है, उसके साथ साथ जो भी वजन गेन करता है मुर्गी उस वजन को मेंटेन करने के लिए यह फीड बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब दोस्तों लास्ट में बात करते हैं अगर आप मुर्गी एक प्रोडक्शन यानी अंडा उत्पादन के लिए रखना चाहते हैं तो फिर आपको लेयर मेस फीड चलाना होगा अपनी मुर्गी के लिए। ये जो लेयर मेस फीड है इसमें भी बहुत सारा भाग होता है, यानी अलग अलग स्टेज में मुर्गी को अलग अलग लेयर फीड दिया जाता है, तो उसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए कि जो लेयर मेस फीड है ये कब से मुर्गी को दिया जाता है तो आप अपने मुर्गी को 110 दिन से लेके यानी जब मुर्गी का उम्र 110 दिन हो जाएगा उसके बाद से आप अपने मुर्गी को लेयर फीड देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे एक देसी मुर्गी को कब कौन सा और कितने मात्रा में दाना देना होता है। अब दोस्तों जब भी आप मुर्गी के लिए दाना खरीदने के लिए जाएं हमेशा कोशिश कीजिएगा एक अच्छा और रेपुटेड कंपनी वाला ही दाना खरीदें। तो दोस्तों बस आज का था एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और दोस्तों के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलेगा कभी किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा जय किसान।